7th, 2001. America is about to hear Masoud's message loud and clear. नाइन इलेवन के बाद दुनिया ऐसी जंग की लपेट में आ गई जिसके शोले 10 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी पूरी शिद्दत से भड़क रहे हैं। जहां इस जंग में लाखों इंसान लुकमय अजल बने, वहीं इस जंग ने करोड़ों इंसानों का हाल और मुस्तकबिल जलाकर राख कर दिया। जंग की ये आग अफगानिस्तान की सरहदों से फैलते हुए इराक, सोमालिया और अब पाकिस्तान पहुंच गई है। कोई कहता है कि ये जंग ग्रेट इसराइल के कयाम की अव्वलीन दाग बेल है, तो कोई इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के निफास की इब्तदाई कड़ी बताता है। We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations. A new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. किसी के नजदीक ये जंग तवानाई के जखायर पर कब्जे के लिए लड़ी जा रही है और किसी का मानना है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि ये जंग सिर्फ मुसलमान ममालिक में ही लड़ी जा रही है और इस जंग के आगाज से अब तक सबसे बड़ा नुकसान उठाने के साथ साथ दहशतगर्द होने का दाग भी मुसलमानों की पेशानियों पर ही सजाया जा रहा है। क्या ये जंग कहीं सलीबी जंगों का नुक्ता आगाज तो नहीं, जिसका मकसद मुसलमानों को माली, माशरती, रूहानी और नजरियाती तौर पर तबाह करना है? We understand. And the American people are beginning to understand. Now, this crusade, this war on terrorism, is going to take a while. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. अब फिर वो क्रूसेड शुरू हो चुकी है। ये असल में जो अफगानिस्तान और इराक पर हमला हुआ, ये क्रूसेड है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक रिसाला निकलता है प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का, बहुत बड़ा रिसाला है, बहुत बड़ा इदारा है। उसके नाम मालूम कितने जो है वो टीवी चैनल्स और टीवी स्टेशंस हैं कि जहाँ से 24 घंटे ईसाइयत की तबलीग होती है। उसका रिसाला जो है मिलियंस में छपता है। तो ये जो उसका अगस्त 2001 करके की जो इशात है वो मेरे पास मौजूद है, अगस्त 2001 की इशात, अगस्त की, क्योंकि सितंबर में 9/11 हो गया है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ अगस्त एक महीने पहले की शायद, और उसमें उसके एडिटर ने लिखा है कि मैनी पीपल थिंक दैट क्रूसेड्स आर ओवर फॉर एवर बट दे आर रॉन्ग बिकॉज प्रेपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर द फाइनल क्रूसेड विच विल बी द ब्लडीएस्ट ऑफ ऑल। ये जेराल्ड फ्लरी उसका जो एडिटर है उसका ये और एक महीने पहले जो वहां पे हुकूमत को गिराया गया तो तालिबान की हुकूमत को नहीं गिराया गया। वहाँ दरअसल शरीयत का जो मुतवादल निज़ाम राइज हो गया था और उसके अंदर उसके फयूज़ और बरकात भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। ओपियम की सारी ट्रेड ख़त्म हो गई थी, डी वेपनाइजेशन हो चुकी थी, हथियारबंद नहीं थी कौम, अमन आ गया था वहाँ पर। बावजूद इसके गुरबत और वो कश्मकश से और हालत जंग में से वो बरामद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई थी और गरीब कोई भूखा नहीं सो रहा था वहाँ पे। उनको इंतमाम किया गया था, चादर और चार दीवारी का तहफ़ किया गया था। कुछ गलतियाँ भी ज़रूर उनसे हुई, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि ये तो शरीयत एक मुतबादल निज़ाम के तौर पे उभर रही है और अगर ये मुस्तहकम हो गई तो फिर दुनिया के तमाम जो मॉडल उनके अपने निज़ाम जो हैं वो गरूब हो रहे हैं और एक नया निज़ाम तलू हो जाएगा। तो ये सारी कशमकश की नौीयत ये है कि वो एक नए निज़ाम को और एक नए वलवले को कुचलने की इस वक्त पूरी साई कर रहे हैं। तो हमें इसकी मज़ाहमत करनी है, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में और अपने अंदर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके।
अगर वाकई ये तसादुम इस्लाम के खिलाफ नहीं तो हालिया दिनों में फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी, स्विट्जरलैंड में मस्जिद के मीनारों की तामीर पर पाबंदी, फ्लोरिडा में मलून पादरी टेरी जॉन्स की तरफ से कुरान पाक को नजर आतिश करना, सोशल नेटवर्क साइट्स पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों का मुकाबला करवाना, कुरान पाक के खिलाफ फितना फिल्म बनाना, डेनमार्क के अखबारात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहीन आमेज कार्टून बनाना, क्या ये सब वाकयात महज इत्तेफाकी तौर पर रूनुमा हो रहे हैं या इनके पीछे कोई आलमी साजिश सांस ले रही है? जिसका मकसद मुसलमानों से अपनी अस्करी शिकस्त का बदला लेना और मगरिब में इस्लाम के बढ़ते हुए फैलाव को रोकना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। It's terrifying me and it's a threat for everybody who lives in Brussels, and it's important to know that the capital of Europe, Brussels is the capital of Europe, will be Islamized within 10-20 years. आलमी सतह पर इस्लाम मुखालिफ वाकयात अब रोजमर्रा के हालात बन चुके हैं और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी इन साजिशों की लपेट में आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के नाम से दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। इस्लाम की बुनियाद पर यानी मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ दो मुल्क हैं इस पूरी दुनिया में, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप लाख कायद आज़म को सेकुलर का उन पर लेबल लगा दें लेकिन पहले उनकी शेरवानी उतरवाएँ और टोपी उतरवाएँ उनके सर से। ये कैसा सेक्युलर था जो पाकिस्तान बनने के बाद सूट पहने ही नहीं उसने कभी, टोपी और यानी ऐसी टोपी पहनी कि वो टोपी ही जिना कैप बन गई। दुनिया में कोई टोपी के नाम से नहीं मशहूर है, ये जिना कैप मशहूर है, ऐसी टोपी यानी मशहूर ही हो गई टोपी। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि ये एक सेक्युलर मुल्क नहीं है, ये एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बाकायदा बुनियाद दो कौमी नज़रिया थी। पाकिस्तान के आवाम हर किस्म के दुख और जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन जब बात इस्लाम, अल्लाह ताला की अजमत या नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ हो तो ये कौम ऐसे इक़दामात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालिया दिनों में मगरबी क़ुव्वतों के कई मुतालबों में से एक नामूस रिसालत के कानून 295C में तरमीम का भी है। अगर पाकिस्तान में अदलिया की इज्जत और नामूस का कानून मौजूद है, अगर पाकिस्तान में सदर की इज्जत और नामूस का कानून मौजूद है, अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की इज्जत और नामूस का कानून मौजूद है, अगर पाकिस्तान में फौज की इज्जत और नामूस का कानून मौजूद है, अगर पाकिस्तान में आम इंसान की इज्जत और नामूस का कानून मौजूद है, तो वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत कायनात है और जो हमारे ईमान की बुनियाद और असास है, जो वजह तख्लीक कायनात है, क्या उनकी इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का कानून नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ये है, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान ना अरब का हिस्सा है और ना अजम का हिस्सा है। पाकिस्तान आलम इस्लाम में अपनी शनाख्त रखता है, पाकिस्तान आलम इस्लाम का अहम तरीन मुल्क है, पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर क़ुव्वत है। इन तमाम खूबियों के साथ साथ पाकिस्तान के जो आवाम हैं उनकी अपनी एक ख़ास नफ्सियात है। नफ्सियात वो है कि जो एक मुस्लिम तहजीब के ज़रिए वजूद में आई है और मुस्लिम तहजीब का कि कुछ बहुत हसास आइडियल्स होते हैं और नामों से रिसालत सबसे ज़्यादा हसास मौज़ू।
کیا اہل مغرب پاکستان کی اقلیتوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہیں یا اس قانون کے خلاف محاذ آرائی کے پیچھے ایک ایسی سازش ہے جو اس کی تنسیخ کے ذریعے مستقبل میں اسلام کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ اور اسلام کی بنیادی شخصیات و تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں مغرب کے سوشل انجینئرنگ پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکے اگر مسلمانوں کو ان کی آئیڈیالوجی سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے تعلق توڑنا ہے ان دو چیزوں پر حملہ کیا جائے ایک اس میں اللہ کی کتاب ہے دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک حملہ تو بڑا پرانا چلا آ رہا ہے سنت حجت ہے نہیں ہے حدیث کیسے جمع ہوئی نہیں ہوئی منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے بڑا مشہور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تنقید شروع کی ہے یہ چاہ یہ رہے ہیں بظاہر کہ آنے والے 50-60 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اس طرح سے مسلمان معاشرے میں کر دیا جائے کہ مسلمان ان کے اوپر تنقید سننا شروع کر دیں جو آج مسلمان معاشرہ نہیں سنتا اسی طرح قرآن پر بھی وہ آج تنقید سننا شروع کر دیں اگر آنے والے 25 سال میں وہ تنقید سننا شروع کریں گے تو آنے والے 25 مزید سال میں وہ تنقید کرنا بھی شروع کریں گے اور اس کے مزید 25 سال بعد وہ کچھ چیزوں کے کو چیلنج کریں گے عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا ناموس رسالت کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں ایک طرف اس قانون کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف بنیادی اسلامی تعلیمات ناموس رسالت پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتی یہ علامہ ابن عابدین نے اپنی رد المختار کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ اب کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کا قتل جائز ہے اور یہ چاروں ائمہ اربعہ اس بارے میں متفق ہیں اور ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر لکھی ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3031 ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کعب ابن اشرف سے نمٹنے کے لیے کون ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے یعنی سب و شتم کیا ہے ایزا پہنچائی ہے برا بھلا کہا ہے اور خود مشہور شارح جو بخاری کے بہت سب سے مشہور ترین شارح ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شرح کی کہ کیا تکلیف پہنچائی گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اشعار کہا کرتا تھا ایسے اشعار کہا کرتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور گستاخی تھی تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں محمد فرمایا کہ ہاں میں چاہوں گا تو محمد فرماتے ہیں کہ میں کعب ابن اشرف کے پاس آیا اور آ کر میں نے اس کو باتوں میں مشغول کرتے ہوئے کہا اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقات کی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں بہت ساری مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو ابھی تھوڑا ہے تم اس پیغمبر سے اور بھی مایوس ہوگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اب ایک بار پھر ہم ایک بار ان کا اتباع اختیار کر چکے ہیں لہٰذا اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اسے چھوڑ دیں البتہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت اور دین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے اس کو باتوں میں مصروف رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا ناموس رسالت ایک مسلمان کی اپنی عزت اور جان و مال سے کہیں زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کے باہم ایمان سے ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس بنیادی حقیقت کو بھی الجھا دیا گیا ہے اور ایک عام مسلمان اس موضوع پر واضح رائے دینے سے قاصر نظر آتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے یہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں بین ہی جیسے کہ
ये जो अफगानिस्तान में अमेरिका की जारियत है, क्या ये हमारी जंग है या ये उनकी जंग है? ये कन्फ्यूजन पैदा किया ना, और यही शैतान का फेल है कि शैतान जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है, वसवसे डाल देता है और लोगों की ज़ुबानों के ऊपर और किस्म के अल्फाज आते हैं, उनके दिलों में कुछ और होता है लेकिन बात कुछ और कहते हैं। अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह सुबहानहु ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप खातमुन नबीयीन हैं। अल्लाह ने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। आप ही वो हस्ती हैं जिनकी तमाम दुनिया की मजहबी किताबों ने शहादत दी और आपकी आमद की तमाम अंबिया ने बशारतें दी। आपकी इताअत और आपसे वालेहाना इश्क ने अरबों को शुतरबानी से निकालकर जहांबानी का मनसब दिया। शमय रिसालत के आशिक और परवानों ने सिर्फ इसी जज्बे को थामे दुनिया में अदलो इंसाफ और अमनो अमान का परचम लहरा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन अंबिया और पैगंबरों की उम्मतों से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम नहीं फरमाया। ये इस उम्मत का एजाज है कि जहाँ अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को, हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों को भी बराह रास्त अपनी हम कलामी का शरफ बख्शा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में। चुनाचे मुतअद्दिद मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। लेकिन कुरान करीम का आप मुताला करें और स्टडी करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से जो क़यामत तक के मोमिनीन को ख़िताब फरमाया, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब व एहतराम के हवाले से फरमाया। कुरान करीम का पहला पारा है और सूरह बकरा है, और फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राहिना वक़ूलू इंज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इससे पहले किसी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज नहीं हैं। ये पहला खिताब अल्लाह ने किया। नामूस रिसालत ही का जज्बा था जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वाक़े मेराज की तस्दीक की। सैयदना फारूक आज़म ने हक़ व बातिल में इम्तियाज़ कर दिया। सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपनी अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि लोग तालीमात नबवी और शख्सियात नबवी पर उंगली न उठा सकें। क़ुरान शरीफ में अल्लाह का फरमान है, ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और नबी के साथ ऊंची आवाज़ के साथ बात न किया करो जिस तरह के तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल ऐसे गारत कर दिए जाएं कि तुम्हें खबर भी ना हो। कुरान तो हर दौर के लिए हिदायत है, इस दौर में भी है। आज के दौर में नबी की आवाज़ से आवाज़ कैसे बुलंद हो सकती है? रसूल की आवाज़ क्या है? पहले तो मुझे इस पे गौर करना पड़ेगा, रसूल की आवाज़ क्या है? क्या वो आवाज़ जो मानवी तौर पर हम सुनते हैं, जो ज़ाहरी तौर पर हम सुनते हैं, या वो आवाज़ जो मानवी तौर पर हमारे क़ुलूब में मौजूद है? रसूल की आवाज़ हदीस होती है, रसूल की आवाज़ हदीस है। तो जो भी अपनी राय को हदीस पर मुकद्दम करेगा और कहेगा मेरी राय के मुताबिक, तो उसने अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ से बढ़ा कर दिया। कुरान पाक के बहुत मकामात हैं मेरे भाई जहाँ पर इंसान पर लर्जा तारी हो जाता है। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ और आज की तारीख से लेकर अपनी मौत की तारीख तक, जो मुझे नहीं पता कब आ जाएगी, अगले लम्हे हैं, अगले सेकंड हैं, मैं आपको ये ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, इससे कड़ी सख्त वईद की आयत मैंने नहीं पढ़ी पूरे कुरान में, क्योंकि इसमें खुदा कह रहा है अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। एक तो होता है आपको आमाल तबाह हो गए पता चल गया, तौबा तो वहीं होगी ना जब पता चलेगा। सोचे मेरे भाई ये कौन सी मंजिल है जहां पता ही नहीं चल रहा, तौबा का भी मौका नहीं मिल रहा। वा अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे आमाल तबाह हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सिर्फ रसूल की आवाज से आवाज बुलंद करना इतना बड़ा जुर्म है खुदा के नजदीक कि आमाल ऐसे तबाह होंगे कि पता भी नहीं चलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में लानत भेजी है,
और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर दिया है। कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि दीगर मजाहिब की किताबों में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर कसरत से मिलता है। नरा सोमत्यो देवश्यो नम नम मुहम्मद इचनम बिमाय चिनम गुराय चिनम तप शांताए सलाम हो चांद की जैसी सूरत रखने वाले को, सलाम हो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सलाम हो शेर की ताकत रखने वाले को, सलाम हो मालिक की ताकत रखने वाले को, सलाम हो रहीम की ताकत रखने वाले को। भविष्य पुराण प्रति स्वर्ग प्रतीन खंड तीन अध्याय दो श्लोक नंबर 12 में श्री व्यास मुनि कहते हैं, आयोने सोरो मता प्राप्त वाना दैत्य वर्धना मोहम्मद इति ख्यातः पिश्याच कर्त तत्परहा। ये भविष्य पुराण के अंदर श्री व्यास मुनि दूसरी तरफ कहते हैं उस जगतगुरु के मुतालिक कि उनका नाम क्या होगा। उनके मुतालिक ये बताया गया है कि ईमान की सिफत के हामिल होंगे आयोने सोरोवता प्राप्त वाना दैत्य वर्धना, और फिर क्या कहा, नाम बताया गया मोहम्मद इति ख्याता पिशाची करता तत्परहा, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और वो क्या करेंगे, दुश्मनों की इस्लाह करने वाले होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशहूर और शैतान को भगाने वाले होंगे। पिशाच करता तत्परहा, पिशाच कहते हैं शैतान को, तो शैतान को भगाने वाले होंगे वो माहियल बुतलान हैं, वो हाशिल इंसान हैं, वही रहमत लिल आलमीन हैं। ये तमाम बातें जो है धर्म ग्रंथ में बताई गई है। अहदनामा कदीम और जदीद में हजरत मूसा बनी इसराइल को खुशखबरी देते हुए खुदा का कलाम उन्हें सुना रहे हैं, जो इस्तस्ना बाब 18 में यूं दर्ज है, और खुदावंद ने मुझसे कहा, वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बरपा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा। इंजील यूहन्ना में अपने शागिर्दों से खिताब करते हुए यसू मसीह ने फरमाया, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर तुम अब उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो सच्चाई की रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। अमरीकी मुसन्निफ माइकल हार्ट अपनी किताब द हंड्रेड में लिखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि यसू मसीह ने अपने असरात और अमली कारनामों से वो काम न किया जो सहराए अरब के इस अजीम इंसान ने अदा किया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दौर गुज़िश्ता दुनिया और मौजूदा आलम में दरहकीकत वो नुक्ता है जिससे दुनिया ने दौरे जदीद की तरफ कदम बढ़ाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मानने वालों ने इल्म व फिक्र के चराग रोशन करके जदीद दुनिया की आबियारी की, जिस पर दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अरबों की एहसान मंद है। लेकिन वो पाक हस्ती जिन्होंने दुनिया को अमन का दर्स दिया, वो हस्ती जिनके नाम पर लाखों करोड़ों अरबों इंसान अपना सर कलम कर देना एजाज़ अजीम समझते हैं, आज इस अजीम हस्ती के बारे में इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें घनाउने हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। कभी नॉर्वे और डेनमार्क के अखबारात में रहमतुल लिल आलमीन के फर्जी खाके छापकर उम्मत मुस्लिमा के ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो कभी सोशल नेटवर्क पर
تصویری مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نروس کو ٹیسٹ کرنا کہ کیا یہ ابھی تک اسی طرح محبت اور شدت کے ساتھ عقیدت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک کرائٹیریا بتایا ہے، آپ نے کہا اللہ ایمان علیہ من لا محبت اللہ، اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر میری محبت ہے۔ آپ نے تین دفعہ کھڑے ہو کے ممبر پہ کہا، پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کو میں اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹیسٹ دیا، ٹھیک، تو لٹمس پیپر آپ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ٹیسٹ لٹمس پیپر نیلا ہوتا ہے یا لال ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ابھی تک ایمان کا جو چیز موجود، ٹیسٹ ہی نبی پاک نے دیا، بتایا ہی نبی پاک نے کہ ایمان کی پہچان تمہاری یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تمہیں مجھ سے کتنی عقیدت ہے، تم مجھے کتنا اپنے دلوں میں بساتے ہو۔ اور جو اقبال کہتے ہیں نا کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، تو وہ ٹیسٹ وہ کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ ان کا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو دیکھ لو۔ اب وہ ٹیسٹ بار بار کرتے ہیں، اگر کہیں غیرت و حمیت والے جو ہاں علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو بغیرت ہوتے ہیں جو سلف جاتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، صف بندی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ایمان والا کون ہے اور ایمان نہ رکھنے والا کون۔ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بلکہ قرآن کو سمجھیں کہ یہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، دور حاضر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں، تسلیمہ نسرین کا مقدمہ یہی ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں، بہت کچھ اس کے اوپر کہا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا اسلامی قوانین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اپنے آپ میں عدالت لگا کر ایک شخص قرآن پاک کی بے حرمتی جیسا انتہائی قدم تک اٹھا لیتا ہے، لیکن عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں۔ کسی شخص کی ذات پر حملہ کرنا، اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ حیوانی فطرت ہے، اور اس کے مقابلے میں اس شخص کی لائی ہوئی دعوت کو رد کرنا یا قبول کرنا، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ ایسے میں مملکت خداداد پاکستان میں آسیہ مسیح کا کیس منظر عام پر آتا ہے اور عالمی طاقتیں اور عالمی عیسائی مذہبی قیادت ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلیوں کا نعرہ بلند کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالات اتنی تیزی سے کروٹیں بدلتے ہیں کہ دیکھنے والے عالم تذبذب میں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس منظر میں جانے کے لیے ہمیں ماضی کے کئی اوراق پلٹنے ہوں گے۔ سلطنت مغلیہ کے سقوط کے بعد 1860 میں جب برطانیہ نے ہندوستان میں قانون ناموس رسالت کو منسوخ کیا تو آشفتہ سر مسلمانوں نے اس قانون کو خود اپنے ہاتھوں میں لیا اور گستاخوں کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے۔ لیکن انگریز کے زمانے کے اندر ایک خاص سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ بات کی گئی، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے راجپال والا، وہ جو اس نے ایک کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ رنگیلا رسول کے نام سے، اور اس کے بعد غازی الدین کی جو شہادت ہے، غازی الدین کی شہادت کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ یہی لاہور شہر تھا کہ جس کے اندر شاید اس سے بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی عقیدت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قانون جو تھا اس وقت ایک فالٹی قانون تھا، جس کی وجہ سے اس کو راجپال کو گستاخی کی سزا نہیں مل سکی تھی، اور مسلم اما سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے کیسز چلے ہیں، مثلا ایک کیس اور ہے جو کہ حیدرآباد میں ایک خانسامہ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس میں میاں محمد شفیع صاحب اپیئر ہوئے تھے، اور اس کے جج نے انگریز نے پوچھا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ بیرسٹریٹ لا ہیں اور آپ اتنے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بھی اس شخص کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بر صغیر کی پاک و ہند کی وہ شخصیت گزرے ہیں جو یقینی طور پر مسلمان تو تھے اور ان کے اسلام میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن
मुसलमान और दीनदार ज़हनियत के बावजूद आज की दुनिया में भी और उस वक़्त भी अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर भी उनको एक रोशन ख्याल और एक तजद्दुद पसंदों की तरफ माइल एक मुसलमान के तौर पर समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कौन सा दर्जा और कितना बुलंद और आला दर्जा एक मुसलमान के दिल दिमाग के अंदर रचा बसा हुआ होता है। खुदा की कसम, अगर इस खानसामा की जगह पर उस अंग्रेज़ मेजर की बीवी के सामने मैं खड़ा होता तो मैं भी यही काम करता जो इस वक्त आपके सामने अदालत के अंदर खड़े मुसलमान मुलजिम ने ये काम किया। अंग्रेज़ ने इसको एक पैरल कानून के तौर ऐसे रखा था जैसे बाकी तमाम कवानीन होते हैं, और इसी की वजह से पहले ये वाक़यात होते रहे और लोग जो है जज्बात में आकर उसका इंतकाम लेते। गाज़ी मुद्दीन के बाद बहुत से वाक़यात हुए हैं, गाज़ी अब्दुल क़य्यूम का हुआ है, दूसरे वाक़े हुए हैं। असल बात यह है कि उस वक़्त इन वाक़यात को मगरबी मीडिया ने हदफ नहीं बनाया था। ज़ियाउल हक़ के दौर में जो कवानीन बने, ये ज़ियाउल हक़ का कानून नहीं है, ये वफ़ाक़ी शरिया अदालत का ने कानून बनाया था और पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। उसके बाद मगरबी मीडिया ने इसको हदफ बनाया है, इसलिए यह नज़र आ रहा है, वरना तारीख़ में रिकॉर्ड में बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जो हुए और उन पर अवामी रद्दमल का इज़हार हुआ या कानूनी प्रोसेस में गए। इस तरह के वाक़यात जब सामने आने लगे तो नामूसे रिसालत के कानून की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई, ताकि कोई कानून को अपने हाथों में नहीं ले सके, गुस्ताख को आम इंसान के बजाय अदालत सज़ा सुनाए। अगर मुलजिम बेगुनाह है और इस पर महज इल्ज़ाम लगा है तो इसे बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए। इस तरह बरेसगीर के कानून में 1927 में शिक 295 को दाखिल किया गया। 295 जो है, जो दफ़ा है, उसके मुताबिक आप एक शख्स किसी के मज़हब को छेड़े, कोई नुकसान पहुंचाए, तौहीन करे, तो कानून के अंदर तक ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा दी जा सकती। अब वो सज़ा 1 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, और जो है वो 1 महीने की भी हो सकती है और 1 साल की भी हो सकती है। तो अवामी जहन के चूँकि मुताबिक नहीं था, और इस तरह के जो बहुत से लोग हैं जो दुश्नाम तराज जहन के जो लोग थे, उन्होंने फिर हरकतें भी इस तरह की, किताबें भी इस तरह की लिखी कि जिसने मुसलमानों के जज्बात को शदीद अंदाज में जो है वो मुश्तइल किया। पाकिस्तान का जो कानून है वो इस बुनियाद पे जो 295C है वो वजूद में आया, जिसमें गोया के कानून तो वही था लेकिन उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे ग्रामी को, आपकी शख्सियत को अलल खुसूस उसमें जो है वो आपकी शख्सियत को लेकर इस बात को जाहिर किया गया कि शान रिसालत में जो शख्स शान रिसालत में तौहीन आमेज अंदाज़ इख्तियार करेगा या शान रिसालत की तौहीन करेगा, आपके मुक़दस नाम की तौहीन करेगा, तो उसे 2 किस्म की सज़ाएँ दी जा सकती, सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद, सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद। इन ये तो गोया के पहले जो सज़ा थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक थी। अब जो सज़ा मुकर्रर हुई है जो हमारे PPC के अंदर जो क्लोज भी है 295C, उसके अंदर 2 सज़ाएँ हैं, सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद। पहली दफ़ा ये हुआ था कि इसको एक ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर इसको कोडिफाई किया गया कि नहीं, ये लोगों का काम नहीं, स्टेट का काम है, स्टेट इसको ले और एविडेंस कलेक्ट करे और सारा कुछ करे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 1992 के अंदर अदालत में बाकायदा इस बारे में रिट दायर की गई, फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर इस बारे में रिट दायर की गई कि सज़ा तो एक ही होनी चाहिए, या सज़ाए मौत होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए। फिर 1992 के अंदर फेडरल शरीयत बोर्ड ने बाकायदा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत ही को मुकम्मल तौर पर हतमी तौर पर नाफिज़ुल अमल करार दिया और उसी को बरकरार रखा। उसके बाद जो हुए थे तो लोगों ने उनको, क्योंकि लाइक बात है कानून फॉल्टी था, अब कानून चूँकि आ गया था सही, इसलिए केसेस जो है रजिस्टर्ड होने शुरू हुए। और आप सोचेंगे कि 98% केसेस मुसलमानों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए, सिर्फ 2% केसेस जो ईसाइयों के खिलाफ। कानून के नफाज के हवाले से तो इस वक्त लोगों को है कि कानून बहुत से केस दर्ज हुए, गिरफ्तार हुए, बच गए, और कत्ल होने से, अवामी इश्तियाल का शिकार होने से बच गए। अगर कानून नहीं होगा तो हर जगह फैसला लोग खुद करेंगे और वो फैसला फिर आपको मालूम है क्या होगा और अफरा तफरी मचेगी इसकी। जब 1986 में ये कानून बना तो मेरी इतला के मुताबिक जो 10 गैर मुस्लिम वोट असेंबली में थे, कौमी असेंबली में,
उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, मसीही भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें यहाँ तक के अहमदी भी थे। और ये कानून मुतफिका तौर पर बना है। पाकिस्तान एक तो इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान के दस्तूर ने गारंटी दे रखी है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के कानून नाफिज होंगे और खिलाफ इस्लाम कोई कानून नाफिज नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। सऊदी अरब में शरीयत कानून है, वहाँ भी मौत की सज़ा है, इस पर वहाँ भी गुस्ताखी रसूल पर मौत की सज़ा है। और जो मुसलमान ममालिक शरीयत की पाबंदी, शरीयत के नफाज की वादा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ तो शरीयत के नफाज की बात ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शरीयत नाफिज नहीं करेंगे? ये तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान बना इसलिए है और पाकिस्तान का दस्तूर गारंटी देता है कि कुरान और सुन्नत के कानून नाफिज करेंगे और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नाफिज नहीं होगा। दस्तूरी तौर पर पाकिस्तान पाबंद है इस बात पर। कोई भी शिख कानून का हिस्सा बनने तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। ज़हीन तरीन और जहांदीदा इंसान इसकी बारीकियों को परखते हैं। इस कानून के अच्छे बुरे पहलुओं पर एक अरसे तक बहस चलती है, तब कहीं जाकर कोई शिख या मसविदा कानूनी शक्ल इख्तियार करता है। फिर इस मसविदे को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जहां नुक्ते एतराज़ात के कई सिलसिलों से गुजर कर इस कानून को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाता है। इन सब के बावजूद आजकल हमारे माशरे में इस कानून के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। आखिर इस कानून से इख्तलाफ रखने वालों के बुनियादी तौर पर एतराज़ात क्या हैं? ब्लास्फेमी लॉ तो इन पे लगना चाहिए जिन्होंने दावा की हल्ला बोल दिया, उधर जाके आग लगाई, कुरान शरीफ को भी आग लगाई, बाइबल को भी आग लगाई, इस्लामियात की किताबों को भी आग लगाई। वो एक जहालत में मुब्तला गलत रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है जिनकी बुनियाद पर ये कर, उनको ये बताया जाए कि वो जो गुस्ताखी कर रहे हैं उनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर हम नरमी से समझाएंगे और वो दीन के करीब आएंगे तो ये चीज़ बनेगी जन्नत में जाने का बायस। कुरान मजीद में सजाए मौत के बारे में बता दिया गया है कि वो सिर्फ दो सूरतों में हो सकती है। एक सूरत यह है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे को कत्ल किया, तो कातिल को सजा की मौत दी जा सकती है अगर उसका कत्ल का जुर्म साबित हो जाए। और दूसरा यह है कि इससे भी बढ़कर अगर किसी फर्द या किसी ग्रोह की तरफ से जमीन में फसाद बरपा करने का जुर्म हो जाए, जिसका मतलब यह है कि बाज लोगों की हरकतों की वजह से आम आदमी का माल या उसकी जान या उसकी आबरू इज्जत गैर महफूज है, अगर कोई इतना ज्यादा शदीद किस्म का खतरा बन जाए आम आदमी के लिए, तो उसको भी मौत की सजा दी जा सकती है। और उसको कुरान मजीद में सूरह मायदा में बयान किया गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक पुरसकून इलाका, पुरसकून मोहल्ला जहां सब हंसी खुशी रह रहे हों, वहां अगर कोई शख्स कुरान पाक जला के फेंक दे, आप क्या कहेंगे उसे? मेरे भाई फसादी कहेंगे ना आप उसे, तो फसादी के लिए तो है ना कत्ल की सजा। अब उसी मोहल्ले में जहां रसूल से मोहब्बत की जाती हो, अब मोहल्ले को मैं जरा वसी कर देता हूँ, शहर शहर को वसी कर देता हूँ, मुल्क को वसी कर देता हूँ, अक्वाम और ममालिक, अगर इन ममालिक में 52 ममालिक में या 53 ममालिक में नबी के चाहने वाले मौजूद हैं और आप उनकी शान में गुस्ताखी करें तो आप फसाद फैला रहे हैं। तो कुरान में फसाद फैलाने वाले की सजा मौत है, फसाद की किस्में कुरान ने बताई नहीं है। ये तो अब आपने तय कर दिया ना फसाद की किस्में क्या है। फसाद किस किस चीज़ से होता है? मेरे ख्याल से फसाद सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होगा, माशरे में इंतशार फैलेगा, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात परवान चढ़ेंगे, लोग कानून हाथ में ले लेंगे, लोग जज्बाती हो जाएंगे, लोग आपे से बाहर हो जाएंगे, ये फसाद है। तो इस फसाद को रोकने के लिए कानून तौहीन रिसाला ज़रूरी है। ब्लास्फेमी है क्या? उसकी कोई तारीफ नहीं, कोई तारीफ नहीं, इसलिए कि नबी का काम जो है वो दावे से, एक वाहिद नबी ही ऐसा होता है जो दावे से कोई काम कर सकता है, और किसी शख्स को हक नहीं है वो ये कह के मैं दावे से करता हूँ। जो लोग उसको मान लेते हैं वो उसके पैरोकार होते हैं, जो नहीं मानते वो नाऊज़ुबिल्लाह को गलत कह रहे हो। तो नबी की सबसे बड़ी जो है बात है तो उसके दावे को ना मानना है, तो जो लोग उसे मानते ही नहीं हैं उनको कैसे आप कह सकते हैं कि ब्लास्फेमी है? ऐसी बात होती है जो कुरान कहता जो नबी की तौहीन करे उसे कत्ल कर दे। ये तो कुरान और सुन्नत से नुसूस से कती नुसूस से ये सदा साबित है। और
फिकाय हनफी नहीं, फिकाय हनफी, फिकाय हम्बली, फिकाय मालकी, फिकाय शाफी, यानी चार आइम्मा जो हैं और जितने मुज्तहिदीन हैं, ये तमाम के तमाम 1400 साल के आइम्मा, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत और कत्ल। देखिए, अगर कुरान और हदीस में इसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत ना होती तो उलमाए किराम का फिर इत्तेफाक कैसे हो सकता था? चारों मसाले का इत्तेफाक है, तो ये इस बात की दलील है कि ज़ाहिर कुरान और हदीस से साबित एक सज़ा है, तभी तो उलमाए किराम का इत्तेफाक हो रहा है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ और ईज़ा देते हैं उन पर अल्लाह की लानत। और आगे फरमाया, मलऊनीन अयनमा सुकिफू उखिदू व कुत्तिलू तब्तीला, उसी सूरह अहज़ाब में चंद आयतों के बाद ये मलऊन। अब पहली आयत को इस आयत से मिलाइए, जो अल्लाह और रसूल को ईज़ा दें वो मलऊन, उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत। और आगे अल्लाह कह रहा है, ये मलऊन जहाँ मिले इनको कत्ल कर दो। अई नमा सुकिफ उखिदू व कुत्तिलू तब्तीला, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा बयान कर रहे हैं। हमारे पास जो अदाद व शुमार जमा हुए हैं उसमें तादाद के एतबार से तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसमें मुतासर हुए हैं, और बड़े दुख की बात है कि इस पर कोई बात नहीं। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, उनके मुताबिक 1986 से लेकर 2009 तक तौहीन रिसालत के जुर्म में पाकिस्तान में कुल 964 मुकदमात रजिस्टर हुए, 964, इनमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ है 479, और इनके खिलाफ कादियानियों के खिलाफ जो हैं वो 340, ईसाइयों के खिलाफ 119, हिंदुओं के खिलाफ 14, 12 जो है वो दीगर मजाहिब वाले हैं। अच्छा, अजीब बात ये कि मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर हमारी मतलब मजहबी बुनियादों पे अगर हम ये केस फाइल करते होते तो सवाल ये कि हिंदुओं के खिलाफ तो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए कि भारत से हर वक्त हमारी टसल रहती, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो केस फाइल हुए हैं वो अहमदियों के खिलाफ हुए, जो कितने हैं, एक तो मुसलमानों के खिलाफ हुए, खुद जो मुसलमान हीरो बनने के लिए मगरब का कुर्ब हासिल करने के लिए इस किस्म के शोशे उठा लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ हुए, तो क्या हम अपने मुसलमानों के दुश्मन बन रहे हैं या हमारे मुसलमान इस्लाम के दुश्मन बन रहे हैं? कई दफ़ा अमेरिका की तरफ से भी, यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी इस तरह की हरकतें करने वालों की बाकायदा हौसला अफजाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दीगर कई इस्लामी मुल्कों के अंदर भी। जब किसी ने गुस्ताखी का इरतकाब किया तो इन मगरबी मुल्कों ने बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ और जहाज़ों पर बिठा करके और बड़े ही एजाज़ और इकराम के साथ उनको अपने मुल्कों के अंदर सियासी पनाहें दी। जाहिर है इनका ये इकदाम खिलाफ इस्लाम है और इनके खिलाफ इस्लाम होने में तो कोई शुबा नहीं। 2011 के कवर पे टाइम मैगजीन ने जूलियन असांज को नहीं छापा, फेसबुक के बानी को छापा है, जबकि जूलियन असांज ज्यादा पॉपुलर हुआ था, चाहे वो जिस हवाले से भी हुआ, लेकिन चूंकि जूलियन असांज कॉन्ट्रोवर्शियल उनके मफादात के तहत था और फेसबुक का बानी उसने ड्रॉ मोहम्मद डे बनवाया था, आप जरा मेरी पॉइंट लीजिएगा, उसने जर्ब लगाई थी मुसलमानों के जज्बात, तो उसे टाइम मैगजीन में फेस ऑफ द ईयर करार दिया, ये एक खामोश खराज तहसीन पेश किया गया उसे। तो ये लोग भी यही साथ चाहते हैं कि जी हमें भी ज़रा नोबेल प्राइज़ मिल जाए, हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है। अब आप देखें सलमान तासीर साहब के इंतकाल पर पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में दुआ नहीं की गई, कलीसाओं में हुई, पुतकदों में हुई, सोमों में हुई है, किसी मस्जिद में नहीं हुई, किसी मस्जिद में नहीं हुई दुआ, उनके गवर्नर हाउस की मस्जिद में नहीं हुई, ठीक जी, उनकी नमाज़े जनाजा से लेकर फातिहा ख्वानी तक पर एतराज है, लेकिन कलीसाओं में उनके लिए दुआएं हो रही। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कितना इससे बढ़कर बदनसीबी और मतलब और क्या खुदा की निशानी होगी खुली कि जिसे मरने के बाद भी खुदा ने अपनी बारगाह में कबूल ना किया हो। तो ऐसे लोग ये उस एजेंडे पर, अच्छा जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुले हैं, देखिए उनका काम है वो ये करेंगे, वो आपके दुश्मन हैं आप यहूद नसारा। मैं तो एक बात ये जिक्र कर दूं इस मौके पर कि हमें अमेरिका या यूरोप से कोई ज़्यादा गिला या शिकवा नहीं है, इसलिए कि वो तो गैर मुस्लिम ताकतें हैं
और वो तो शुरू दिन से इस्लाम की दुश्मनी के ऊपर कारबंद हैं, और आज हम अगर उनके बारे में कहें तो अबू जहल के बारे में गोया कि हम कुछ कह रहे होंगे, फिरौन हामान कारून के बारे में कह रहे होंगे। ये तो अल्लाह ताला ने जहान बनाया है, हक और बातिल का मारे का चलता आ रहा है। हम उनसे कोई बाकायदा किसी खैर की तवक्को या उम्मीद नहीं रखते। उनसे खैर की तवक्को और उम्मीद रखना तो ऐसा ही है जैसा कि हामान से, फिरौन से, कारून से या अबू जहल अबू लहब से हम कोई खैर की तवक्को रख रहे हैं। उनसे हमें शिकवा नहीं, वो तो अपना काम करेंगे, उन्होंने तो इस्लाम की दुश्मनी का काम करना है। दुख और अफसोस का मकाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए है, और दुख और अफसोस का मकाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद पार्लियामेंट के अंदर ऐसे अरकान पार्लियामेंट पर है जो बाकायदे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जा जा कर के इस्लामी मुल्कों के सफीरों को ये बावर कराने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी इस मुल्क से तौहीन रिसालत के एक्ट को ख़त्म किया जाए, इस कानून को ख़त्म किया जाए। ये इंतहा दर्जे का दुख का मकाम है। दर हकीकत कुछ अनासर ऐसे हैं जो बाहर के एजेंडों पर अमल करते हैं, कुछ ऐसी NGOs हैं जो बाकायदा बाहर की फंडिंग पर चलती है और उनके एजेंडे पर चलती है। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूँ। बड़ा क्लियर हुक्म है, ये उस वक्त तक आपसे राज़ी नहीं होंगे प्यारे जब तक कि आप इनकी मिल्लत का हिस्सा ना बन जाए, यानी आप इनमें से ना हो जाए, इन जैसे ना हो जाए, इनकी ज़बान ना बोलने लगे। ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। आप कहें कि जिहादीज़ आर टेररिस्ट, हो ये तो अपने जैसा है। आप कहें कि तौहीन रिसालत का गैर इंसानी है, ओहो अपने जैसा आदमी है। हाथ रखो इस पे, हाथ रखो, पैसा दो, पैसा दो, बुलवाओ, फंडिंग करो इसकी, NGO बना दो इसके नाम की, एड दो, एड। जितनी NGOs हैं पाकिस्तान में, मेकअप ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न ख़वातीन जो हैं, पैसे कहाँ से आते हैं इनके? मैंने तो आज तक इनको डोनेशन लेते हुए कहीं नहीं देखा। ये कैसे चल रही हैं भाई? जितनी तंजीमें हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो ज़ाहिर है कि एतराज़ किया जाएगा, लेकिन जो आपने जिन तंजीमों को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है अमेरिका बहादुर ने, वो तो डोनेशन मांगती हैं लोगों से, तो कहती हैं हमें चंदा दो, खाल दो, खालें दो बकरों की, हम तो अपना ये कैसे चला रही हैं सब चीज़ें? इनके स्कूल्स कैसे चल रहे हैं? पैसा मिलता है इनको डायरेक्ट, डायरेक्ट पैसा आता है इनके अकाउंट में मगरबी ममालिक से, उनका एजेंडा है, उस पर ये लोग अमल पैरा हैं। ये इस्लाम का नामो निशान मिटा देने की मुहिम पर है और अपनी अकल से काम कर रहे हैं, ये समझते हैं कि हम कर लेंगे इस तरह, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। तो ये लाख कोशिश कर लें, ये अपनी तदबीर कर लें, खुदा की अपनी एक तदबीर। कानून चोरी का हो, कत्ल का हो या कोई भी हो, कौन सा ऐसा कानून है जिसको गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता? किसी कानून के गलत इस्तेमाल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कानून ही गलत है और उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि ये बात भी काबिल गौर है कि मुख्तलिफ जराइम में पाकिस्तान में 100 मुलजमान में से सिर्फ 5% पर जुर्म साबित होता है। इस तरह तो 95% अफराद बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए जाएं? अगर हम 2005 से 2010 तक के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले देखें तो ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि बेगुनाह मुलजिम कैदियों का तनासब सबसे ज़्यादा है। तो क्या इन जराइम के कवानीन को काला कानून कहकर ख़त्म कर दिया जाए? देखें, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे कानून हैं। 302 एक कानून है जिसकी फांसी सजा है। इस मुल्क के अंदर कम से कम 10-15 हज़ार बंदा ऐसा होगा को जो जाली उसके अंदर कैद पड़ा हुआ है। मतलब एक आदमी का बाप कत्ल हुआ है, उसने अपने 4-5 दुश्मनों का नाम लिखवा दिए, भाइयों का भी, भतीजों का भी, वो बेगुनाह वहाँ सड़ रहे होते हैं। हाईकोर्ट पंजाब का 1941 का फैसला है कि इन लोगों की नज़ाई बयान जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको भी कबूल ना करो, क्योंकि ये मरते हुए भी झूठ बोलते हैं, दुश्मनों का नाम डाल लेते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कि जिसके अंदर इतने सारे, क्या कभी किसी ने कहा कि वो कानून तब्दील करो? क्या कभी किसी ने कहा 302 का कानून गलत है? मंशियात के केसेस में पुलिस लोगों की जेब में चरसे डालती है,
हीरोइन डालती है, उनको पकड़ती है, बंद करती है। कभी किसी ने कहा कानून तब्दील करो? आप लॉ की बात करते हैं, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कोई चीज़ हो रही है, मिसयूज़, तो वो खुदा की किताब को किया जा रहा है। बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से, फिर रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कोई चीज़ हो रही है तो वो खुदा की किताब हो रही है। कोई उसमें से खुदकुश हमलों को जायज़ करार देने की आयात निकाल रहा है, कोई उसमें से तालिबान को बुरा कहने के लिए आयात निकाल रहा है, कोई उसमें से रोशन ख्याली को सही साबित करने के लिए आयात निकाल रहा है। मेरे ज़रा पॉइंट समझिएगा जी। कोई उसमें अपने मकतब फ़िक्र को दुरुस्त साबित करने के लिए आयात निकाल रहा है, कोई अपने आप को जमात, जमात से समझें आप, आखिरी जमात कि हम ही हैं, हमारे ही नबी, जो झूठे की जमात है काजिबों की, उसमें से आयत निकाल रहे हैं। मिर्जाई बदबख्त जो हैं वो तो कुरान से साबित करते हैं ना कि हमारा नबी सही था, तो मिस यूज़ तो फिर कुरान हो रहा है, तो क्या करें फिर? कुरान पढ़ना छोड़ दें, तिलावत उसकी ख़त्म कर दें। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि इस्लामी कानून में उस वक्त तक मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दी जाती या उस वक्त तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाता जब तक उस पर जुर्म साबित न हो जाए। इस लिहाज से इस कानून के गलत इस्तेमाल की बात करने वालों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये अदालती निज़ाम इस्लामी नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। कानून पर एक और एतराज़ भी किया जाता है, वो है गुस्ताखी करने वाले के लिए सजाए मौत। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ मगरबी ज़राए अबलाग भी इस सज़ा पर चराग पा दिखाई देते हैं कि इस सज़ा में नरमी की जाए, लेकिन दुनिया भर के तमाम एतराज़ात के बावजूद दीनी मकातब फ़िक्र कानून नामूस रिसालत से पूरी तरह मुतमइन नज़र आते हैं। इनके मुताबिक गुस्ताख़े रसूल की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। असल में जो ख़राबी है वो ये है, वो ये ख़राबी नहीं है कि मुसलमान इतना जज्बाती है, ये बात नहीं है। हमारे यहाँ जो उसकी हैसियत है, उसका फ़र्क है वालिदैन की हैसियत। यूरोपी माशरा और हमारे माशरे के अंदर वालिदैन के हकूक़ का तसव्वुर बड़ा मुख्तलिफ़ है। तो कल एक आदमी उठकर कह रहे कि पता नहीं क्या बात है, हमारे यहाँ तो अगर एक आदमी अपने बाप को अपनी शादी में बुला ले तो अच्छा समझा जाता है कि भाई उसने अपने बाप को भी बुला लिया कि मेरी शादी है कल, आप बाप आ जाइएगा। लेकिन हमारे माशरे में बाप के बगैर शादी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस एक आदमी का बाप जिंदा और उस आदमी की शादी हो रही है और बाप ना हो, ये एक अजीब सी बात समझी। अब अगर कल एक आदमी उठ कर कहे कि क्या बात है भाई, ये अजीब बेवकूफ़ लोग हैं कि जो बाप के बगैर शादी, तो एक ज़ाती मामला है। तो असल बात यह है कि ये अकदार का फ़र्क है, और हमारा दीन हमें जो वालिदैन की तालीम का हुक्म देता है, अल्लाह का, नबी का, किताबों का, जो कुरान करीम में तफसील है कि मन के अल्लाह और उसके रसूल पे, किताबों पर, आखरत पे सब पीमा, जो वो तसव्वुर देता है, वो तसव्वुर इन माशरों में नहीं है। जब इन माशरों में वो तसव्वुर नहीं है, लिहाजा उनके यहाँ इस चीज़ की वो कदर और अहमियत भी नहीं है। जहाँ जिस जुर्म को जितना संगीन तसव्वुर किया जाता है, सज़ा उतनी ही संगीन रखी जाती है। पाकिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक के बरक्स मगरबी ममालिक में अपने पैगंबरों की शान में गुस्ताखी सिर्फ इतना ही बड़ा जुर्म तसव्वुर किया जाता है कि मुआवजा लेकर इसे रिहा कर दिया जाए। हालांकि इन ममालिक में स्टेट के खिलाफ गद्दारी की सज़ा मौत या उम्र कैद मौजूद है। इसी तरह शाही ख़ानदान और इनकलाबी लीडरान की तौहीन पर सख्त सज़ाएं दी जा चुकी हैं। आप अंदाजा करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तहरीक चली थी कि एंटी सेमाइटिज़म जो है, ये जो यहूदियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है और यहूदियों के अपने करतूतों की वजह से नफरत थी, उसको फैलाने वाले को मुजरम कर डालते थे। और यहूदियों ने एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया हुआ था कि हमारे पता नहीं 60 लाख यहूदी जो मारे गए हैं, उसको वो हॉलोकॉस्ट कहते थे, और हॉलोकॉस्ट के बारे में उन्होंने अफसाने घड़े थे। उस अफसानों को भी अगर कोई शख्स चैलेंज करता था तो उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने सज़ा रखी हुई है, 15-15 साल, 25-25 साल उम्र कैद। आज से कुछ 7-8 साल पहले अर्नेस्ट वेंडल था एक शख्स, वो
जर्मनी से निकला था, जाके कनाडा में आबाद हुआ था, और उसने एक तहकीकी किताब लिखी थी कि यहूदियों ने ऐसे बकवास करते हैं, इनके खिलाफ इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ, और उसको वहाँ से उन्होंने कनाडा वालों ने उसको पकड़ना चाहा था, वो भाग के अमेरिका पहुँचा था, अमेरिका ने पकड़ना चाहा, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया में उसको गिरफ्तार किया गया, उसको 15 साल कैद हुई, अभी वो कैद में है, और जर्मन हुकूमत ये कह रही है कि हमें इस वक्त उसको हवाले किया जाए क्योंकि वो जर्मन ओरिजिन का है। कानून नामूस रिसालत के नाफिज होने के बाद से आज तक किसी एक शख्स को भी पाकिस्तान की आला अदलिया ने सजाए मौत नहीं दी। इस कानून में जुर्म तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होने के लिए 3 सजाएं तजवीज़ की गई हैं, सजाए मौत, सजाए उम्र कैद, जुर्माना, जबकि सजा के तायुन को अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात पर छोड़ दिया गया है। लेकिन शरीयत की रोशनी में दफ़ा 295C में मज़कूरा सजाओं में से किसी सजा का इजरा अलल इतलाक अदालत की सवाबदीद पर नहीं है, बल्कि अदालत तौहीन रिसालत से मुतालिक बाज़ जराइम में मखसूस किस्म की सजा के इजरा की पाबंद है, जबकि बाज़ दूसरे जराइम में अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात पर है। जिन जराइम की सजाओं में अदालत पाबंद है वो 2 हैं, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब मुसलमान हो, इस्लामी रियासत का गैर मुस्लिम बाशिंदा हो, और तौहीन रिसालत के जुर्म का इर्तिकाब उसने बार बार किया हो और अलल ऐलान किया हो, मजमून या किताब की इशाअत की शक्ल में किया हो, बशर्ते के इर्तिकाब जुर्म में उसका अकीदा मुहर्रिक ना बना हुआ हो। इन दोनों सूरतों में अदालत मुजरिम के खिलाफ सिर्फ सजाए मौत ही जारी कर सकती है। पहली सूरत में इसलिए कि मुजरिम मुर्तद है और मुर्तद की सज़ा इस्लामी कानून में सिर्फ तलवार है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने दीन से मुर्तद हो जाए उसको कत्ल करो। और दूसरी सूरत में अदालत सजाए मौत जारी करने की इसलिए पाबंद है कि इस जुर्म की सज़ा पर उम्मत का इत्तेफाक हो चुका है और काजी या अदालत के लिए उम्मत के मुत्तफिका फैसले के खिलाफ फैसला देने की कतई इजाज़त नहीं है। इन सूरतों के अलावा दीगर सूरतों में अदालत को सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं कि वो जुर्म की नौइयत, मुजरिम की ज़हनियत, वकूआ के सियाक व सबाक और मुआशरे पर पड़ने वाले असरात के एतबार से जिस तरह की सज़ा मुनासिब समझे दे सकती है। हालिया दिनों में अमरीकी सेनेट और कांग्रेस में ऐसी करारदादें पेश हुई हैं जो कानून नामूस रिसालत की तंसीख से मुतालिक हैं। अगर ये करारदादें कांग्रेस से मंजूर हो जाती हैं तो अमरीकी हुकूमत इस बात की पाबंद होगी कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर ये कानून मंसूख कराए, और दूसरी तरफ अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी भी ऐसी करारदाद पेश कर रही है जिसकी सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद तमाम रुकन ममालिक नामूस रिसालत के कानून को मंसूख करने के पाबंद हैं, और जो मुल्क ऐसा न करे उसके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई होगी। आज का मगरिब इंसान की बेलगाम आज़ादी का कायल है। मगरिब की नज़र में आज़ाद इंसान को ये हक हासिल है कि वो मज़हब और बानियाने मज़हब पर बागियाना तनकीद करें, जबकि मुमलिकत के खिलाफ बगावत और अरबाब इक्तदार से गद्दारी की सज़ा यहाँ कत्ल है। Good morning, and this is the most serious charge yet against Private Bradley Manning. In the Army, it's the closest thing to treason. And in fact, if convicted, Manning could face the death penalty. That's up to a military judge to decide. Manning's accused of stealing thousands of classified documents, which eventually showed up on WikiLeaks. And in fact, if convicted, Manning could face the death penalty. Could face the death penalty. ईसाई दुनिया ने ब्लास्फेमी लॉ की सज़ा को कम से कम करके
توہین انبیاء کے دروازے کھول دیے، جیسا کہ وہاں کی عدالتوں کے مختلف کیسز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے برطانیہ میں دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کے نام سے ایک فلم بنائی گئی تھی، جس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنسی زندگی کے مناظر دکھائے گئے۔ یہ فلم برطانیہ میں کھلے عام دکھائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی یا اپنے ماں باپ کی جنسی زندگی پر کوئی فلم برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ انبیاء کی عزت اور ان کی تعظیم کا ایک عام انسان کی عزت اور تعظیم کا تو آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں۔ انبیاء سے متعلق مغربی ممالک کا یہ رویہ بتدریج ان کے معاشرے میں سرایت ہوا۔ آج ان کا معاشرہ توہین آمیز حرکات کو قبول کرنے لگا۔ یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے قانون ناموس رسالت کو کچھ قوتیں پاکستان میں منسوخ کرنا چاہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ اس میں تمیم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جائے کہ یہ قانون ایک اسلامی ریاست میں اس کو کیا جائے، کسی غیر اسلامی ریاست کے اندر بھی جب کوئی کرتے ہیں۔ آفٹر آل ہالینڈ کے اندر اس بندے نے مارا، چورا جا کے اس کو قتل کر دیا، تو یہ کیوں کیا اس نے؟ تو وہاں تو قانون نہیں ہے، وہاں بھی کر دیا اس نے۔ اگر مغرب میں بلاسفیمی لا کی سخت سزائیں برقرار رہتی تو یقیناً ان کے معاشرے میں انبیاء کی ناموس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ حالانکہ انجیل کے عہد نامہ جدید میں واضح طور پر ہے، یسوع مسیح کی بات کو رد کرنا اور یسوع کو ایذا پہنچانے والے فرد کے لیے خداوند کی جانب سے ایسا عذاب ہے جس کا سننے والے سن نہیں سکتے اور نہ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں۔ پوری زندگی اب تک مسلمان ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پر پہرہ دیتے رہے، اور قرآن کریم میں تو سورہ مریم موجود ہے، اور واحد قرآن کریم میں ایک ہی سورت ہے جو خاتون کے نام پر ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، صرف ایک خاتون کے نام پر قرآن میں سورت ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ تو ہمارا تو قرآن تمام انبیاء کی عزت و ناموس ہمیں سمجھاتا ہے، اور تمام انبیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہمارے ایمان میں شامل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس کسی نے بھی کوئی توہین کا جملہ کہا یا لفظ لکھا، ہم نے اس کو بھی مذمت کی، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت اور ناموس کے تحفظ کو اپنا ایمان سمجھا اور سمجھتے ہیں۔ تو تمام مسیحی رہنماؤں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم قطعاً اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، یہ قانون رہنا چاہیے۔ اور آپ بھی دیکھیں نا جی، قانون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین نہ ہو۔ جب کسی نے توہین کرنی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، کسی بھی کمیونٹی نے اور کسی بھی آدمی نے، تو اس کو اس قانون سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو رب رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے اگر وہ اس بات کو سمجھے۔ لیکن کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے، اب اس جنگ کا نتیجہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم اس وقت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جدوجہد میں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد مرحلہ آئے گا، اسی دوران بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت، جب ہم نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ دور تو پہلے کبھی اس طرح سے تو نہیں آیا کہ مسلمانوں کا ملک اور ان کا نظام ہی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان پہلی دفعہ اتنے زوال پر آئے، اب اس زوال سے باہر نکلنے کی اسٹریٹیجی کیا ہو؟ اس میں تو پھر آپ جذباتی ہو کر آگے بڑھیں اور کام کر جائیں جو کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ اس میں اگر کوئی آپ نے گول اپنا مقرر کر رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات ابھار کے وزارت عظمیٰ کی سیڑھی تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں، اور نہ ہوگا۔ حکومتیں نہیں ملتیں خدا کے در سے، حکومتیں نہیں ملتیں، حکومت تو ذمہ داری ہے۔ مجھے تو سیدنا فاروق اعظم کے وہ جملے یاد ہیں کہ جب وہ آپ کو خلافت کا منصب جلیلہ ملا تھا تو آپ پوری رات روئے تھے بیٹھ کر، یہ مجھ پر کیا ذمہ داری ڈال دی گئی، کاش میں گیہوں کا دانا ہوتا، کاش میں اونٹنی کی مینگنی ہوتا، یہ کم و بیش جملے ایسی حضرت ابو بکر کے بھی ہیں، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اور یہی حالت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی تھی۔ تو
इमारत जिनको मिलती है या जिनको हुकूमत मिलती है और जिनको खुदा का खौफ होता है, जो समझते हैं कि वो नायब होंगे खुदा के, वो तो डर जाते हैं। लोग खुशी से जो जा रहा होता है वो डर नहीं रहा होता, वो अय्याशी के लिए जा रहा होता है। और जो डरते डरते जा रहा होता है उसे हिसाब का खौफ होता है, उसे डर होता है कि उससे पूछा जाएगा, फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। यहाँ तो ना जाने कुत्ते छोड़िए कितने इंसान प्यासे भूख से मरेंगे। पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद आलम इस्लाम का किला है, वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है। ये वाहिद इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई थी, जो अल्लाह ताला की मंशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात और औलिया अल्लाह की मेहनतों का समर है। इसकी नज़रियाती सरहदों को कमज़ोर करने का घनौना तरीका अहले अग़यार ने ये ढूंढा कि हुब्बे रसूल का जज्बा यहाँ की गयूर अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए। कानून नामों से रिसालत को ख़त्म करना इसी साजिश की एक कड़ी है। सिलसिला शुरू हुआ वो मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल ने गालिबन 1935 में अपनी जो एक नज़म लिखी है इब्लीस की मजलिस शूरा, उसके अंदर ही तज़किरा कर दिया था, अफगानिस्तान के हवाले से किया। और फिर ये अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोह दमन से निकाल दो और वो फाकब क्वेश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये इब्लीस ने अपनी मजलिस शूरा में, इकबाल ने उनको इब्लीस के मुंह से कहलवाया कि मुसलमानों को यूं इस तरीके से कुचला जाए कि यानी रूह मोहम्मद उनमें से कशीद कर ली जाए, उनके जिस्म में से, उनकी जान में से, उनके अफकार में से रूह मोहम्मद निकाल ली जाए। सूरह इन्फाल, सूरह मोहम्मद और सूरह तौबा जो जहाद की तलकीन करती हैं, हुक्म देती हैं, उसको बीच में से खारिज कर दिया जाए, ये बाकायदा उन्होंने उनकी डिमांड है। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने की है, अल-फुरक़ान के नाम से एक यहूदियों ने किताब छाप दी कुरान नाउज़ुबिल्लाह, उसके अंदर तरामीम करके अपनी मर्ज़ी की। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन इस वक्त जारी है। हमें जदोजहद जहाँ इस मामले में यानी इल्मी सतह के ऊपर हमने उसका मुकाबला करना है। आज हमारे मुल्क की दिफाई कुव्वतों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कबाइली इलाकों में ड्रोन हमलों की वजह से कबाइली अवाम और फौज बरसदे पैकार हैं। बैरूनी जारहियत के रद्देअमल के तौर पर पाकिस्तानी शहरियों पर खुदकुश हमले किए जाते हैं। हमला करने वाले भी मुसलमान और हलाक होने वाले भी मुसलमान। सहूनी पॉलिसी पर अमल करते हुए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन व अमान को उस नहज तक पहुँचा दिया जाए कि पाकिस्तान पर आलमी बरादरी के तआवुन से मुदाखलत की जाए और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया जा सके, जो अजीम तर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। रैंड कॉरपोरेशन ने, जैसे अब आप देखिए कि रैंड कॉरपोरेशन, आपके इस सवाल पे याद आया, अभी ढाई तीन बरस पहले एक रिपोर्ट लिखी और भिजवाई, वो आपके इल्म में होगी। उसमें उन्होंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट से, यानी पेंटागन से और स्टेट डिपार्टमेंट से, ये आप क्या कर रहे हैं, आप ईरान के पीछे लगे हुए, आप दीन में दरार डालना चाहते हैं, तो आपने अपना फोकस ईरान पर मरकूज कर दिया है। अगर आप नाउज़ बिल्ला दुनिया से इस्लाम का खात्मा चाहते हैं, मुस्लिम दुनिया को कमजोर कर देना चाहते हैं, तो सिर्फ दो मुल्क, इन दो ममालिक को डिवाइड कर दीजिए, इसमें अपनी चालें चलिए, इनको कमजोर कीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। और वो दो ममालिक कौन है मालूम है आपको? पाकिस्तान और सऊदी अरब। पाकिस्तान दुनिया के खित्ते में वाहिद मुल्क है जिसके माथे के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इराक
ने नहीं कहा था हम इसलिए आज़ाद होना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, सऊदी अरब ने नहीं कहा था, लिबनान ने नहीं कहा था, शाम ने नहीं कहा था। हम वो वाहिद मुल्क हैं इस दुनिया की पेशानी के ऊपर जिसने कहा था सिख राजपूत और मुसलमान राजपूत मुख्तलिफ हैं, हिंदू जाट और मुसलमान जाट मुख्तलिफ हैं, बुद्ध गोरखा और मुसलमान गोरखा मुख्तलिफ हैं। हमने नस्ल, रंग, इलाका, ज़ुबान सबको काट दिया था और कहा था हम अल्लाह, ये बहुत बुरा लगता है। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इसकी पहचान सेकुलर हो जाए, ये इसकी पेशानी से वो नाम हट जाए, इसके दरवाज़े पर जो तख्ती अल्लाह के नाम की लिखी हुई वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस अल्लाह ने ये घर हमें अतिया दिया है वो इसकी हिफाजत भी करेगा। एक आम बदमाश और SHO किसी घर के बाहर अपनी तख्ती लगा देना तो उसको हाथ को नहीं लगाता। इस दरवाजे के बाहर मेरे अल्लाह के नाम की तख्ती लगी है, ये कायम दायम है। तारीख के इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तानी मुसलमान अपने फ़िरका वाराना और लिसानी झगड़ों को छोड़कर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दामन थाम लें, अपने मुल्क में बसने वाली अकलियतों के साथ मुनसिफाना सलूक करें और इंसानियत को बताएं कि कुरान करीम के बाद कोई आसमानी किताब नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई गुस्ताख दावा नबूवत करे तो वो काफिर, काजिब, दज्जाल और वाजिबुल कत्ल है। नामूस रिसालत हमारी वो बुनियाद है जिसे अगर गिरा दिया जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।